नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिंगोली नगर में चतुर्मास हेतु विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से शिक्षित व वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज व मुनि श्री दर्शित सागर जी महाराज के सानिध्य में जैनत्व संस्कार उपनयन विधि महोत्सव व नवीन वेदी शिलान्यास समारोह में बड़ी संख्या में समाज जन उपस्थित हुए। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 अगस्त रविवार को प्रातःकाल 6 बजे से मुनिश्री सत्संग के मुखारविंद से श्री जी का अभिषेक व शांति धारा हुई। मुख्य शांति धारा करने का सौभाग्य राकेश कुमार, राजेश कुमार, अहरम कुमार ठोला परिवार लांबा खोह वाले को प्राप्त हुआ। वैज्ञ नायक बनने का सौभाग्य लादूलाल, अशोक कुमार, हितेश कुमार, विनोद कुमार ठग परिवार को प्राप्त हुआ व उसके बाद मुनिश्री ससंग व कोल्हापुर से पधारे पंडित जी के मुखारविंद से जैनत्व उपनयन संस्कार विधि महोत्सव की क्रियाएं प्रारंभ कर सभी बच्चों के सिर के ऊपर स्वास्तिक जनेऊ व श्रीफल व अन्य सामग्री देकर उपनयन संस्कार के मंत्र दिए गए। जैनत्व उपनयन संस्कार में मेवाड़ प्रांत के विभिन्न नगरों से आए सैकड़ों की संख्या में बच्चों ने बैठकर पुण्य अर्जित किया। वहीं उसके बाद दोनों मुनिराज के प्रवचन हुए। मुनिश्री ससंग ने विशाल धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संस्कार के द्वारा ही आत्मा परमात्मा बन जाती है। उन संस्कारों का बीजारोपण गर्भ से ही प्रारंभ होता है। प्रत्येक समय किए जाने वाले संस्कार भावी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे सिद्ध भगवंतों की स्तुति करने से मानव जीवन के भी सारे लक्ष्य सिद्ध हो जाते हैं। वही उसके बाद विशाल चल समारोह निकला जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस निर्गंथ सभागृह विद्यासागर संत निलय पहुंचा। यज्ञनायक परिवार ने हवन कुंड में यज्ञ किया व सभी जैनत्व उपनयन संस्कार में बैठने वाले बच्चों को समाज की ओर से धार्मिक किट प्रदान किया गया व दोपहर में 12:15 पर मुनिश्री ससंग के सानिध्य में नवीन मंदिर जी में वेदी पुणाजक परिवारों द्वारा वेदी शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर बिजोलिया, रावत भाठा, झानतला, धनगांव, थडोद, महुआ, मानपुर, बुराव, डाबी सहित पूरे चोखले के समाजजन उपस्थित थे। वी टाइम न्यूज़ के लिए सिंगोली से सौरभ तिवारी की रिपोर्ट।